हे गाइस व्हाट्सअप, मैं सुमित एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पे। गाइस अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को अभी तक होटल मैनेजमेंट का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है और वो IHM से अपना होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अपना होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो वो अब क्या करें और उनका एडमिशन कैसे होगा। तो एक और नया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, अगर आप चाहो तो इसका फ़ायदा ले सकते हो। IHM रांची जो कि 2019 में ही इस्टेब्लिश हुआ है, अभी नया नया है, इसी साल ओपन हुआ है, तो अभी यहाँ पे एडमिशन जो है वो आपका डायरेक्ट हो रहा है। इसके लिए कोई भी NCHM सिटी के रैंक की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आप 12th में कम से कम 50% मार्क के साथ पास होने चाहिए बस। अगर आपके 12th में 50% मार्क है और साथ ही साथ आपका इंग्लिश जो है वो कंपलसरी होना चाहिए आपके 12th में, अगर इतना है तो आप आराम से IHM रांची में एडमिशन ले सकते हो। तो अभी क्या है ना, विदाउट स्किप किए हुए आप पहले लास्ट तक इस वीडियो को देखो, जिससे कि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि एडमिशन कैसे लेते हैं, क्या कैसे प्रोसेस है। अभी तो ये सब कुछ मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि कैसे लेते हैं। ये है IHM रांची का ऑफिशियल वेबसाइट IHM रांची.in। जैसे ही आप इसे सर्च करते हो तो आपके सामने IHM रांची का ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन होकर आ जाता है। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ आपके सामने न्यू एडमिशन 2019 का जो है ये रेड कलर में आप देख लो यहाँ हाईलाइट किया गया है, तो इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है हम लोगों ने। तो यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हो तो फिर आपके पास यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन आंसर है जहाँ पर ये डिटेल दिया गया है कि क्या कैसे करना है, कितना अमाउंट जो है वो पे करना है, और जो लास्ट डेट है इस रजिस्ट्रेशन को फिल करने का वो है 19/7/2019, 19 तारीख 7वां महीना 2019 को लास्ट डेट है। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तो आप अभी इसको सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस पूरे फॉर्म को फिल कर लेना है जो यहाँ पे दिया गया है। मैं बताता हूँ क्या कैसे करना है। फिर पहले तो आप अपना यहाँ जो है ये कोर्स आप जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो वो कर लो। जैसे अभी मैं यहाँ पर BSc के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन पर क्लिक कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको अपना जो बेसिक प्रोफाइल है आपका वो एंटर करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम देना है। मैं एक डेमो देता हूँ आपको क्या कैसे करना है। तो पहले आप अपना नाम दे दोगे, देन फादर्स नेम है तो फादर्स नेम जो भी है वो डाल देना है, देन मदर्स नेम, फिर आपको अपना जेंडर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर एक डेमो दे रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल देना। फिर से एज है तो एज भी आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे देखो मैं बस डेमो बता रहा हूँ आप लोगों को, ये कोई ऐसा नहीं है, आप बस इस तरह से करके जो भी आपका जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल के सब कुछ क्लियर कर लोगे। देन आपका जो भी कैटेगरी है वो आप डाल दो, आपका जो एड्रेस है वो आप डाल देना, फिर सिटी तो सिटी जो भी है वो डाल दो, स्टेट जो भी आपका है वो डाल दो, देन पिन। अब ऊपर दिए गए सारे इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेने के बाद अच्छे से आप यहाँ देखोगे नीचे एकेडमिक प्रोफाइल आपके पास एक आएगा, जहाँ पे आपके 10th और 12th में आपने जिस भी बोर्ड से किया है वो आपको डालना है, फिर आपने किस स्कूल और कॉलेज से किया है वो आपको डालना होगा, देन आपने कौन से ईयर में पास किया है, फिर आपके कितने परसेंटेज या CGPA बने हैं वो आपको डालने हैं, फिर आपके 10th या 12th में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है या नहीं वो भी आपको यहाँ पर डालना होगा, फिर यहाँ पे आपने सिंपली कर देना है सबमिट फॉर्म। तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ सबमिट करने के बाद फॉर्म को आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देन आपको करना क्या होगा, यहाँ प्रिंट जो फॉर्म जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले तो प्रिंट कर लेना है इस फॉर्म को, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास आपने जो भी डिटेल आपने फिल करे होंगे वो सब ओपन होके आ जाता है। ये देखो इस तरह से कुछ चार जो है वो इम्पोर्टेंट आपके पास PDF टाइप एक फाइल आ जाता है। अब आप यहाँ पे देख लोगे आपने जो सब भी अपने डिटेल यहाँ पे फिल करे हैं वो सब कुछ आ जाएगा आपके पास। देन आपको करना क्या होगा, इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है सबसे पहले, तो प्रिंट आउट आप इसका करवा लोगे। फिर यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है, जो भी कैंडिडेट है उनका सिग्नेचर यहाँ करना होगा, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या गार्जियन, जो भी आपके गार्जियन है जो भी आपके पेरेंट है उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा। फिर आपको करना है क्या है, इसको स्कैन करके या आप मोबाइल से भी फ़ोटो आजकल अच्छा आ जाता है तो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के या कहीं से भी स्कैन करके आपने पहले मेल कर लेना है IHM रांची के वेबसाइट पे, IHM रांची को मेल करना है आपने। तो जो भी उसका मेल एड्रेस है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर मेल करना है क्या कैसे करना है।
उसके बाद मेल करने के बाद, क्योंकि अभी 19 तारीख को लास्ट डेट है, तो आपको क्या करना होगा, स्पीड पोस्ट भी करना होगा साथ ही साथ। पहले तो आप अभी मेल कर दो, देन आप कल ही जा करके स्पीड पोस्ट कर दो, क्योंकि स्पीड पोस्ट जो है वो 3 दिन में, 3 दिन मैक्सिमम उसका टाइम होता है, 3 से 4 दिन में वो आपके डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचा देते हैं, जहाँ पे आपको पहुंचाना है वो पहुंचा देते हैं। तो IHM रांची में आप डायरेक्टली वो भेज सकते हो। फिर ये भी, ये सब जो है डिक्लेरेशन, ये सब आप पढ़ लोगे अच्छे से, सिग्नेचर वगैरह डेट सब कुछ डाल देना है। देन आपको क्या क्या अटैच करना है इस फॉर्म के साथ, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी हम लोगों ने फिल किया है, इसके साथ और भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो आप यहाँ पे देख लोगे। तो इन सभी जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, इन सभी को अटैच करने के बाद ही आपको मेल करना है, उसके बाद फिर आपको स्पीड पोस्ट करना है। मेल और स्पीड पोस्ट आप दोनों कर दोगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर स्पीड पोस्ट आपका लेट होता है तो फिर आपके मेल से भी काम चल जाएगा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप दोनों करोगे, मेल भी कर दो और स्पीड पोस्ट भी आपको कर देना है। तो ये सब कुछ आप डिटेल से पूरा PDF को अच्छे से पढ़ोगे, देन आप कोई भी स्टेप लेना। उसके बाद अब चलिए बात कर लेते हैं कि कौन से मेल पे भेजना है और स्पीड पोस्ट के लिए कौन सा एड्रेस है, तो वही दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कहाँ पे हम लोगों ने मेल करना है, इन सभी फॉर्म को फिल करके, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को अटैच करके, और कहाँ पे स्पीड पोस्ट करना है। तो मेल जो है वो आपको यहाँ करना है, IHMRanchi@gmail.com, इस पर आपने सबसे पहले तो मेल कर देना है। उसके बाद आपको जो एड्रेस फिल करना है यहाँ पे दिया गया है, इस एड्रेस पे आपने स्पीड पोस्ट कर देना है, और साथ ही साथ यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप डायरेक्टली IHM रांची में कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो जो भी आपको मोर इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जान सकते हो, बात कर सकते हो। तो जो भी स्टेप मैंने अभी बताए हैं, इन सभी स्टेप को अच्छे से फॉलो करके आप IHM रांची में एडमिशन ले सकते हो। तो सबसे पहले अभी आपको मैं बता दूं कि बिल्कुल भी आप देर ना करें, क्योंकि 19 तारीख को लास्ट डेट है, और 19 तारीख से पहले आपको ये सारा कुछ कर लेना है। अगर आप चाहते हो कि मैं IHM रांची का रिव्यू करूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर मैक्सिमम कमेंट्स होते हैं तो फिर मैं IHM रांची के ऊपर वीडियो कर दूंगा, एक रिव्यू कर दूंगा। तो गाइज बस ये सब कुछ ही बताना था आज की इस वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से होटल मैनेजमेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट पे वीडियोस आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। अगर आप देना चाहते हो कोई सुझाव या आपके मन में हो कोई सवाल, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, हमें फॉलो करें, करके आपकी मदद हमें खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।